तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका संस्कृत सब्जेक्ट है, इसका CBSE की तरफ से जारी किया गया जो आपका फाइनल सिलेबस है 2024-25 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और इस एक वीडियो के अंदर पूरा का पूरा संस्कृत का सिलेबस मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं संस्कृत के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, और कौन कौन से चैप्टर आपको यहाँ पर नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये संस्कृत कोर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, संस्कृत इलेक्टिव भी होता है, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो संस्कृत इलेक्टिव का भी सिलेबस मैं आपको बता दूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अपडेट ये है कि हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12th का टेलीग्राम चैनल आप सभी बच्चों के लिए। तो टेलीग्राम चैनल में ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर इम्पॉर्टेंट अपडेट, PDF, नोट्स वगैरह हम आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने के लिए सिंपली आपको टेलीग्राम पे जाना है और वहाँ पर सर्च करना है क्लास 12 CBSE 123। जैसे ही आप वहाँ पर सर्च करेंगे आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल देखने को मिल जाएगा। तो आज ही वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए और जो भी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं उसका लाभ उठाइए, बेनिफिट उठाइए। ठीक है बच्चों, और कोई भी आपका डाउट रहता है जो आप मुझसे 1-to-1 पूछना चाहते हैं, तो ये मेरा इंस्टाग्राम ID है jayjha07। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और जो भी आपका डाउट वगैरह होता है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं अपने सिलेबस को। तो देखिए, सिलेबस को समझने से पहले ये समझ लीजिए कि क्लास 12th के संस्कृत सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ, संस्कृत कोर की, तो इसके अंदर आपकी बुक कितनी होती है। ठीक है, जिसके अंदर से आपका सिलेबस बनता है। देखिए, टोटल 2 किताबें रहने वाली है जिसके अंदर से आपका संस्कृत का सिलेबस बनना है। पहली किताब रहेगी आपकी भास्वती करके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और दूसरी बुक रहेगी संस्कृत साहित्य परिचय वाली। ठीक है, ये 11th और आपका यहाँ पर जो 12th क्लास है इनके लिए कंबाइंड होता है ये वाला बुक। ठीक है, इसके अंदर आपको 11th क्लास के भी चैप्टर्स देखने को मिलेंगे और 12th क्लास के भी चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा कि इसके अंदर ये जो बुक है इसके अंदर से आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ध्यान से समझते चलिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए एक एक करके यहाँ पर किताबों के अंदर से देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। जो आपकी फर्स्ट वाली बुक है भास्वती वाली, इसके अंदर से देखिए जो आपका प्रथम पार्ट यानी पहला पार्ट है अनुशासनम करके, ये आपको पढ़ना है। जो आपका दूसरा पार्ट है ये भी पढ़ना है। तीसरा जो आपका पार्ट है ये पढ़ना है। चतुर्थ यानी चौथा पार्ट भी पढ़ना है। पाँचवा पार्ट, छठा पार्ट, ये सारे पाठ पढ़ने हैं। ठीक है, जो आपका सातवां पाठ है यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्दी घाटी वाला, ये आपको नहीं पढ़ना है। ये आपका 2024-25 का जो सिलेबस आया है ना इसके अंदर डिलीट है ये वाला पाठ। ठीक है बच्चों, तो सातवां पाठ आपको नहीं पढ़ना है। फिर आठवां जो पाठ है आपका मदालसा करके, ये पढ़ना है आपको। नौवां पाठ भी पढ़ना है। फिर जो आपका दसवां पाठ है, दसम पाठ यहाँ पर आप देख सकते हैं विधा स्थानानी करके है, ये वाला पार्ट आपको नहीं पढ़ना है। ये भी आपका नए सिलेबस के अकॉर्डिंग डिलीट है। ठीक है बच्चों, तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो आपकी भास्वती करके जो पुस्तक है संस्कृत की, इसके अंदर टोटल 10 यहाँ पर पाठ दिए गए हैं जिसमें से 2 पाठ आपको नहीं पढ़ने हैं। सप्तम पाठ जो है हल्दी घाटी वाला, ये डिलीट है आपका, ये नहीं पढ़ना है। और दसम पाठ यानी दसवां पाठ जो है आपका, ये भी डिलीट है, ये नहीं पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो टोटल आपको 8 पाठ यहाँ पर पढ़ने हैं फर्स्ट वाली बुक से। ओके, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आपकी जो सेकंड वाली बुक है संस्कृत साहित्य परिचय वाली, इसके अंदर से देख लीजिए कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। बिल्कुल लिमिटेड चैप्टर है, यहाँ पर 3 चैप्टर यानी 3 पाठ आपको पढ़ने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो चतुर्थ अध्याय है ना महाकाव्य वाला, ये आपको पढ़ना है बच्चों। फिर आपका जो सप्तम अध्याय है यहाँ पर आप देख सकते हैं गद्य काव्य एवं चंपू काव्य, ये भी पढ़ना है आपको। और जो आपका नवम अध्याय यानी नवा पाठ है नाट्य साहित्य, ये आपको पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो इस वाली बुक के अंदर से यही 3 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। और इसके आगे चले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CBSE के तरफ से जो सिलेबस का PDF जारी किया जाता है उसी के अंदर से मैंने ये कटिंग निकाला है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं दोनों ही बुक के अंदर से। ठीक है, यहाँ पर जो आप चैप्टर्स देख रहे हैं ये आपकी फर्स्ट वाली बुक यानी जो भास्वती वाली बुक है उसके अंदर से दिए गए हैं, और यहाँ पर जो आप चैप्टर्स देख रहे हैं ये आपकी सेकंड वाली बुक के दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड वाली बुक के अंदर केवल 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं और फर्स्ट वाली बुक के अंदर टोटल 8 चैप्टर यानी 8 पाठ आपको पढ़ने हैं बच्चों। ओके, आशा करता हूँ कि संस्कृत कोर का आपको जो सिलेबस है वो समझ में आ गया होगा।
और यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, सिलेबस समझ में आ गया होगा। इससे पहले मैंने पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, अदर जो सब्जेक्ट है क्लास ट्वेल्थ के आपके, उन सभी का सिलेबस वाला वीडियो बना दिया है। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा उन वीडियोज़ को तो ज़रूर जा करके देखिएगा। सबके लिए एक सिंगल प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, क्लास ट्वेल्व न्यू सिलेबस 2024-25 करके, ठीक है, जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट के सिलेबस के वीडियोज़ के लिंक डाल रखे हैं। तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, आपको एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। बच्चों, वीडियो अगर आपको वाकई में पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं और विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो लेकर के आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्ज़ाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।